डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग शुरू कर चुके हैं और उस डिफरेंशिएबिलिटी में यह एक महत्वपूर्ण थ्योरम है। इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार हम पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद इसको प्रूफ हम लोग करेंगे। तो थ्योरम में दिया गया है कि ए नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट कंडीशन दैट ए फंक्शन बी डेरिवेबल एट ए पॉइंट इज दैट इट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट में कहा जा रहा कि ये स्टेटमेंट नेसेसरी पार्ट है बट सफिशियंट नहीं है। तो वो स्टेटमेंट क्या है जिसका कि नेसेसरी हमको दिखाना कि होगा और सफिशियंट नहीं होगा। तो जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ये फंक्शन बी डेरिवेबल एट ए पॉइंट, यानी कोई भी फंक्शन है वो किसी पॉइंट पर डेरिवेबल हो, इज दैट इट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। यानी जो फंक्शन कोई एक फंक्शन किसी पॉइंट पर डेरिवेबल हो तो उस पर वो कंटिन्यूअस होगा, ये स्टेटमेंट दिया गया। तो ये नेसेसरी है बट सफिशियंट नहीं है। इट मींस जो ये दो रिजल्ट है कि हमारा कोई भी फंक्शन है वो किसी पॉइंट पर डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, ये नेसेसरी पार्ट हो गया। पहले को आपने ट्रू किया और दूसरे को प्रूफ किया, यानी कोई भी फंक्शन हमने ले लिया कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तब हमको ये दिखाना होगा कि वो कंटिन्यूअस होगा। ये नेसेसरी है और सफिशियंट क्या है कि इसका कन्वर्स कि यदि वो फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो तो वो डिफरेंशिएबल होगा, वो सफिशियंट पार्ट है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि नेसेसरी तो है लेकिन सफिशियंट नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो पहले नेसेसरी हम प्रूव करने जा रहे हैं, नेसेसरी पार्ट। तो नेसेसरी पार्ट के लिए क्या करें कि कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन को कोई एक पॉइंट ले रहे और सपोज कर ले कि उस पर वो डिफरेंशिएबल है तब हम दिखा दें कि उस पर वो कंटिन्यूअस हो जाए। तो हमने ये सपोज कर लिया, यह नेसेसरी पार्ट के लिए, नेसेसरी पार्ट के लिए। तो हम सपोज कर लें कि लेट फंक्शन एफ इज डेरिवेबल एट ए पॉइंट ए, कोई एक पॉइंट ए है उस पर यह फंक्शन डेरिवेबल है। अब हमको दिखाना पड़ेगा कि एफ कंटिन्यूअस हो जाए। तो टू शो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, तो अब हम जो फंक्शन एफ है उसको कोई एक पॉइंट ए है इस पर हमने सपोज कर लिया कि ये डिफरेंशिएबल है और तब हम दिखाएंगे एफ जो है वो ए पर कंटिन्यूअस हो जाए। तो यदि यह एफ ए पर डिफरेंशिएबल है इससे हमको क्या मिला, तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को देखे हैं। यदि ऐसे जितने भी एक्स जो ए को टेंड करेंगे उनका एफ एक्स और माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और जब एग्जिस्ट करेगा तो ये जो वैल्यू होगा वही ए पर डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और जो वैल्यू आएगा ये लिमिट का वही हमारा इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी। उसी को हम डिनोट करते हैं एफ डैश ए। अब यह एफ ए पर डिफरेंशिएबल है इससे हमको ये मिल गया। अब हमको ये दिखाना है कि जो f है वो कंटिन्यूअस हो जाए। तो f a पर कंटिन्यूअस हो जाए इसके लिए हम करेंगे क्या, क्या दिखाएंगे। तब यदि कोई भी फंक्शन है जैसे हमारा यह f x है और इसको यदि हम ये दिखा दें कि यह लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू ए जो a है उस पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल हो जाए, यानी एफ एक्स का एक्स टेंस टू
ए पर वैल्यू एफ ए के इक्वल हो जाए तब हम कहेंगे कि यह एफ एक्स ए पर कंटिन्यूअस है। अब ये ऐसा क्यों हम कह सकते हैं, तो आप देखें लिमिट की जो डिफिनीशन है, तो लिमिट की डिफिनीशन है कि यदि हमारा कोई भी फंक्शन यह एफ एक्स यदि उसका लिमिट यदि एल हो तब हम कोई भी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो लेते हैं तो इसके लिए एक डेल हमको मिलता है कि ऐसे जितने भी एक्स जिनका ऐसे डिफरेंस इस डेल से लेस हो उसका एफ एक्स और माइनस एल ये जो है वो लेस देन एप्साइलन हो जाए। यदि ऐसा है तब हम कहेंगे कि यह एफ एक्स का एक्स टेंस टू ए पर जो लिमिट आया वो यल हो गया। ये लिमिट की कंडीशन है कि एफ एक्स का एक्स टेंस टू ए पर लिमिट एल तब होगा जब हम कोई भी एप्साइलम लें तो हमको एक डेल ऐसा मिले कि ऐसे जितने भी एक्स जिनका इस ए से डिस्टेंस इसे डेल से लेस होगा उसका एफ एक्स और जो लिमिट है एल इसका डिफरेंस एप्साइलम से लेस आ जाए और इसी को डिनोट करते हैं कि एफ एक्स का एक्स टेंस टू ए पर जो लिमिट हुआ वो हमारा यल हो गया। अब आप देखें कि यदि यह एफ एक्स यदि ए पर कंटिन्यूअस हो जाए तब उसका क्या आता है एफ एक्स का यह एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस हो जाए तब उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई एप्साइलम ग्रेटर देन जीरो लें तो एक हमको डेल ग्रेटर देन जीरो ऐसा मिलता है कि ऐसे जितने x जिनका इस a से डिफरेंस डेल से लेस हो उसका एफ एक्स और एफ ए इसका जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्साइलन से आ। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब कहेंगे कि एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है। अब आप जरा दोनों को कंपेयर करें एफ एक्स का एक्स टेंस टू एल पर यह लिमिट एल हो तो कंडीशन ये है। अब आप देख रहे हैं कि इस कंटिन्यूटी में या डिफरेंशियबिलिटी में कोई एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो लिया तो एक डेल मिला कि ऐसे जितने एक्स जिनका एफ एक्स और जो लिमिट है उसका डिफरेंस एप्साइलन से लेस आया तब हम कहेंगे कि एफ एक्स का एक्स टेंस टू ए पर एल लिमिट हो गया और कंटिन्यूस है तो यही एप्साइलम कोई एप्साइलम नहीं उसके लिए यह एक डेल मिलेगा कि ऐसे जितने एक्स जिनका इस ए से डिफरेंस डेल से लेस हो उसका एफ एक्स और एफ ए इसका डिफरेंस इस एप्साइलम से लेस होगा। लेकिन इसको जब कंपेयर करेंगे तो हमारा फर्क क्या है जो कंटिन्यूटी है उसमें और लिमिट में जो हमारा यल था जो लिमिट था उसी की जगह एफ ए लिख लेंगे। तो यदि इसको आप जो ये कंटिन्यूटी से मिला है उसको लिमिट के टर्म में यानी यल की जगह यह आ गया तो यदि इस एफ एक्स का एक्स टेंस टू ए पर यल की जगह लिमिट एफ ए हो गया यानी इसी को जब डिनोट करेंगे तो यह लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए जब इसकी जगह यल था तो यहाँ यल लिख देते और जब यह एफ ए हो गया तब इसकी जगह एफ ए लिखेंगे। इसका मतलब एफ एक्स का एक्स टेंस टू ए पर जो लिमिट है वो इस एक्स की वैल्यू जो ए है इसका लिमिट वही आ जाए एफ ए आ जाए तब ये जो फंक्शन होगा वो ए पर कंटिन्यूस होगा। तो ये हम लोगों ने कंटिन्यूटी से तो इस तरह हमको यदि एफ एक्स का एक्स टेंस टू ए पर लिमिट ए की वैल्यू यहाँ रख दें एफ ए उसके इक्वल आ जाए तब हम कहेंगे कि एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है क्योंकि ये कंडीशन कंटिन्यूटी की आया है और इसी कंटिन्यूटी के कंडीशन को लिमिट से जब लिखेंगे तो हमारा इस फार्म में आएगा। तो अब हम देखें यहाँ हमको यह एफ एक्स जो है वो ए पर डिफरेंशिएबल है ए दिया जा रहा है और तब हमको ये दिखाना है कि एफ एक्स जो है वो ए पर कंटिन्यूस हो जाए। तो इस कंडीशन से यदि एफ एक्स का एक्स टेंस टू ए पर जो लिमिट है वो एफ ए के इक्वल आ जाए इसका मतलब एफ एक्स ए पर कंटिन्यूस हो जाए। अब हम यही दिखाने जा रहे हैं तो इस चीज़ को कैसे दिखाएंगे
इसको आप एक बार समझें। अब हम एफ एक्स का एक्स टेंस टू ए पर लिमिट एफ ए हो ऐसा दिखाना है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, यह एफ एक्स यह लीजिए एफ एक्स, अब इसकी वैल्यू को इस फॉर्म में लाने का प्रयास कीजिए। यह जो एफ एक्स है तो इसमें देख रहे हैं ए सब्ट्रैक्ट है, तो हम यह एफ एक्स और माइनस एफ ए वैल्यू में परिवर्तन न हो तो प्लस एफ ए ऐसा हमने कर दिया। इसको इस अब एफ एक्स ही है, इससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। अब ये पार्ट हमको आ गया, अब एक्स माइनस ए चाहिए तो केवल इतने का ही एक्स माइनस ए चाहिए, तो यह एफ एक्स और माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए, अब ये वैल्यू यहाँ दी नहीं गई है इसलिए इसकी वैल्यू में परिवर्तन न हो तो x माइनस ए इससे डिवाइड किया, तो यहाँ हम प्रोडक्ट भी कर दिए, इससे इसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं हुआ और यह एफ ए जो है वो हमने रहने दिया, ए एफ एक्स की वैल्यू आ गई। इसको हमने जो ये डिफ्रेंशिएबल है तो जो टर्म आया है उतना ही इसको हमने बनाने का प्रयास किया है, तो यह एफ एक्स केवल है, एफ ए माइनस में चाहिए वैल्यू में परिवर्तन हो, एफ एस को ऐड कर दिया, और फिर हमारा एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए है तो बाई एक्स माइनस ए करें, इसकी वैल्यू में परिवर्तन ना हो इसलिए एक्स माइनस ए से हम प्रोडक्ट भी करेंगे, और यह केवल एक्स माइनस ए इतने का चाहिए हमको, सिर्फ इतने का, इसका नहीं चाहिए इसलिए इसी में डिवाइड किया और इसमें मल्टीप्लाई किया। अब हमको यह दिखाना है कि इसका लिमिट एफ एक्स का एक्स टेंड्स टू ए पर केवल एफ ए आ जाए, तब हम इसका लिमिट लें, तो लिमिट यह एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए, तो यही वर्क यहाँ भी, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और यह x माइनस ए प्लस लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ए, दोनों साइड में हमने लिमिट ले लिया x टेंड्स टू ए पर। अब आप देखें यदि यहाँ x की वैल्यू a रखें तो ये डिनोमिनेटर में जीरो, और यहाँ x की वैल्यू a रखें तो न्यूमिनेटर तो जीरो बाई जीरो, यानी अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। और किसी भी फंक्शन का जब लिमिट लेते हैं तो उसकी वैल्यू जब तक अनडिटर्मिनेट फॉर्म में रहता है तब तक वो वैल्यू नहीं रखते। तब हम क्या करेंगे कि देखें ये दो का फंक्शन, यदि हमारा कोई एक फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन v है और इसका लिमिट लेना है तो प्रोडक्ट का जो लिमिट होता है वो लिमिट ऑफ u इंटू लिमिट ऑफ v, ये पहले का भी लिमिट इंटू दूसरे का भी लिमिट ऐसा हमारा हो जाता है। तो अब आप इतने का लिमिट इंटू इसका लिमिट, अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि सिर्फ इतने का लिमिट होगा तो यह एफ डैश ए दे देगा, ये चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ये लिया गया है तब वो कंटिन्यूअस हो ऐसा हमको दिखाना है, इसलिए इसकी वैल्यू को हमारा यह लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए यह अलग हो गया, और यह लिमिट x टेंड्स टू a और यह x माइनस ए यह अलग हो गया। अब आप देखें इसमें चूंकि x नहीं है, x होता तो ये वहाँ रखा जाता है लेकिन नहीं है, इसलिए वहाँ हमारा इसकी वैल्यू f a ही रहेगा। अब आप देखें ये लिमिट जो हुआ वो एफ डैश हो गया यहाँ से f डैश, और तब हमको मिला यहाँ से यानी लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ये जो वैल्यू आया वो सिर्फ इतना जो लिमिट हो गया ये एफ डैश है, तो यह एफ डैश ए इंटू, अब देखें जब ये डिनोमिनेटर का एक्स माइनस ए जो था वो एफ डैश ए में आ गया, यह एफ डैश में है, अब ये डिनोमिनेटर में नहीं रहा इसलिए अब इसकी वैल्यू को हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्यों नहीं रखा गया कि वो हमारा जीरो बाई जीरो दे रहा था, लेकिन अब ये टोटल वैल्यू ये एक्स माइनस ए एफ डैश ए में आ गया, इसलिए अब ये डिनोमिनेटर का जीरो का काम समाप्त हो गया।
तब सिर्फ ये बचा, तब यहाँ हम लिखेंगे ए माइनस ए दैट इज जीरो, तब यह वैल्यू जीरो और प्लस एफ ए यहाँ, तो अब यह जीरो से प्रोडक्ट हो गया, ए हमारा जीरो हो गया और यह एक्स टेंस टू ए आर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए ऐसा आ गया। तब हमने देखा यदि यह एफ एक्स डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट ए पर, तो वह ए पर कंटिन्यूअस भी हो गया, क्योंकि अभी कंटिन्यूटी को हम लोगों ने देखा था कि किसी भी फंक्शन का एक्स टेंस टू ए पर लिमिट यदि एफ ए के इक्वल हो जाए तो ये फंक्शन हमारा ए पर कंटिन्यूअस होता है। तो हमने ये नेसेसरी पार्ट दिखा दिया, विच शोज दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। यह हमने ले लिया कि कोई भी एक पॉइंट है यदि उस पॉइंट पर फंक्शन डेरिवेबल हो तो उस पर कंटिन्यूअस होगा, ये वर्क हमने देख लिया जहाँ। अब हमें लेंगे इसका सफिशियंट पार्ट कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर यदि कंटिन्यूअस है तो उस पर डेरिवेबल हो, ये आवश्यक नहीं है, इस वर्क को हम दिखाएंगे। अब सफिशियंट पार्ट में कहा जा रहा है कि जो भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो तो ये आवश्यक नहीं कि उस पर वो डेरिवेबल हो ही, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और दिखाएंगे कि उस पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन उस पर डेरिवेबल नहीं है। इसलिए हम ये जनरल नहीं कह सकते कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डेरिवेबल, क्योंकि एक एग्जांपल हमने दिखा दिया कि वो कंटिन्यूअस है इसलिए डेरिवेबल वो नहीं हुआ, तो जनरल हम नहीं कह सकते कि जो कंटिन्यूअस होगा वो डेरिवेबल होगा ही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अब एक एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, तो वी शैल शो दैट the function is continuous at a point then not necessary that function is derivable at that point. For example, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और दिखाएंगे कि वो फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है लेकिन उस पर डेरिवेबल नहीं है, तो जनरल हम नहीं कह सकते। जैसे जो डिफरेंशिएबल है वो प्रत्येक फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन प्रत्येक फंक्शन जो कंटिन्यूअस हो वो डेरिवेबल हो ये आवश्यक नहीं है। तो जैसे इसका एक एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं कि हमने क्या किया, एक फंक्शन एफ एक्स लिया मॉड ऑफ एक्स और यह एक्स ये बिलोंग कर रहा है माइनस वन से वन, इस सेट में हमारा कोई पॉइंट है और उस पर दिया जा रहा है कि जो भी हमारा पॉइंट होगा उसका फंक्शन की वैल्यू ये है। अब हमें दिखाएंगे कि ये कंटिन्यूअस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूटी जिस पर भी हम कोई इसका एक पॉइंट लेंगे जीरो और दिखाएंगे कि ये फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूअस है लेकिन जीरो पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि ये थ्योरम में कि सफिशियंट पार्ट भी होता तो फंक्शन किसी पॉइंट पर यदि कंटिन्यूअस हो गया तो उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल भी हो, लेकिन यदि एक भी हम एग्जांपल दिखा दें कि उस पर वो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम जनरल नहीं कह सकते कि ये वेरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डेरिवेबल। तो अब इसी को हम दिखाने जा रहे हैं कि यह जीरो पर कंटिन्यूअस है, तो जीरो पर कंटिन्यूअस है तो इसके लिए क्या करेंगे कि जीरो का लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए और राइट हैंड लिमिट चाहिए,
और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू, यदि ये तीनों ही एग्जिस्ट करे और इक्वल हो जाए तब ये फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूस हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं कि जब माड में कोई फंक्शन हो तो उसको हम रेंज में बदलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो जीरो पर कंटिन्यूटी हम देखने जा रहे हैं, तब इस एफ एक्स को क्या करें, इस एफ एक्स को पहला केस लें, इफ एक्स इज लेस देन जीरो, यदि एक्स की वैल्यू जीरो से लेस हो, इसका मतलब वो निगेटिव है, तो माड का मतलब है पॉजिटिव। तो हमें देखेंगे कि एफ एक्स का जब यह एक्स निगेटिव है, एक्स स्वयं में निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा, जब इसमें हम, तो ये एफ एक्स जब हमारा एक्स निगेटिव है तब ये माइनस एक्स रहेगा तब ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि माड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू से। तो अब यह एक्स की वैल्यू, ये एक्स स्वयं में निगेटिव है माइनस कर रही है तो ये पॉजिटिव आ गया। अब तब ये पॉजिटिव है तो ये माड में रहे तो और न रहे तो उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब ये तो पॉजिटिव आ गया बिना माड के। तो ये जब एक्स निगेटिव रहा तब ऐसी वैल्यू आया, और इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो जब एक्स पॉजिटिव रहेगा तो स्वयं पॉजिटिव में है तो उसमें माड लगावे या न लगावे तब यह वैल्यू एक्स, ये हमारा एफ एक्स का एक कंडीशन आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें, तो यह एफ जीरो माइनस जीरो, यानी जीरो पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू ए जिस पर करना था जीरो माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और एच टेंस टू जीरो, ये वर्क हम करते हैं। तब आप एफ एक्स, अब इस एफ एक्स की वैल्यू जीरो से कम रहे वो रखना है, तो जब जीरो से लेस रहे तब उसकी वैल्यू ये, जीरो से लेस रहने पर ये वैल्यू आया, तो ये हमको जीरो माइनस एच एक्स की जगह, यानी जीरो माइनस एच ये लिखना है, तो यह वैल्यू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, यानी ए एक्स की वैल्यू जीरो माइनस एच रहे तब इसकी वैल्यू क्या आएगा, तो जब जीरो माइनस एच है इसका मतलब ये एच से लेस, तो उसकी वैल्यू यहाँ से आ गया जो है उसी का निगेटिव, तो ये आ जाएगा हमको यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये माइनस माइनस एच, ये आएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया और एच को जीरो करेंगे तो ये वैल्यू जीरो, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब राइट हैंड लिमिट में देखें तो यह एफ जीरो प्लस जीरो, तो इसका मतलब हुआ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच और एच टेंस टू जीरो ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का जब हमको राइट हैंड लिमिट लेना होता तो एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच करते हैं और एच टेंस टू जीरो, अब यह जीरो प्लस एच, तो एफ एक्स की वैल्यू अब इसी को हम लिख सकते हैं, यह लिमिट ए एफ एक्स की जगह जीरो प्लस एच और केवल एच बचा तो एच टेंस टू जीरो, तो अब यह एक्स की जो वैल्यू आया वो जीरो प्लस एच है यानी जीरो से ग्रेटर आया, तो जब जीरो से ग्रेटर एक्स है तो उसका एफ एक्स एक्स के इक्वल, और ये जीरो से ग्रेटर एच है इसकी वैल्यू प्लस, तो यह लिमिट एच टेंस टू जीरो और यह एच ऐसा आ जाएगा एफ एच की वैल्यू एच, अब यह एच जीरो को टेंड किया तब ये वैल्यू आ गया हमारा जीरो, ये जीरो आ गया। अब यहाँ से एफ जीरो की वैल्यू निकाल, एफ जीरो तो माड ऑफ जीरो दैट इज जीरो, ये फंक्शन है जीरो की वैल्यू, ये तो हमारा जीरो से लेस के लिए था, ये जीरो से ग्रेटर के लिए था, लेकिन केवल जीरो के लिए ये जो वैल्यू है वो माड ऑफ जीरो, तो माड ऑफ जीरो का मतलब जीरो ही हुआ। अब आपने देखा कि जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, राइट हैंड लिमिट जीरो और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू भी, इसका मतलब
देयरफॉर एफ जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो, ये तीनों इक्वल आ गया, इसलिए फंक्शन जो हुआ वो जीरो पर कंटिन्यूस हो गया। तो हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो फंक्शन हमने लिया उसको ये दिखा दिया कि यह जीरो पर कंटिन्यूस है, अब यदि हम ये दिखा दें कि यह जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब वो हमारा जो फंक्शन हुआ वो कंटिन्यूस तो हुआ लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो अब हम डिफरेंशिएबल जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए इसके लिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ये दोनों निकालना पड़ेगा और तब वो दोनों इक्वल आ जाएगा तो डिफरेंशिएबल होगा, और इक्वल नहीं आया तब हमारा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तब अब हम क्या कर रहे हैं, एफ डैश जीरो प्लस जीरो, ये डैश का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी और यह जीरो पर और यह राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपान एक्स माइनस जीरो, हमारा राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्स टेंस टू जीरो प्लस, अब यह एच है तो यहाँ एच टेंस टू जीरो। अब आप देखें कि यहाँ एक्स की ये वैल्यू रखते एक्स की ये वैल्यू रखें तब हमको मिला लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह यह वैल्यू तो एफ जीरो प्लस एच और माइनस एफ जीरो और अपान जीरो प्लस एच और माइनस जीरो, एक्स की जगह यह वैल्यू रखा। अब आप देख रहे हैं कि इसी एफ एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, तो जब जीरो से ग्रेटर है तो जिसका एफ है वही वैल्यू प्लस में आ रहा है, तो ये वैल्यू हमको मिल गया। यहाँ से यह लिमिट एच टेंस टू जीरो यह एफ एच की वैल्यू एच एफ एच की वैल्यू एच एफ जीरो की वैल्यू जीरो है और अपान एच ये आ गया, अब एच बाई एच ये वन आ गया तो यह वैल्यू वन आ गया। यदि यहाँ एच की वैल्यू जीरो बाई जीरो करेंगे तो वन डिटर्मिनेट, इसलिए तब तक वैल्यू हम नहीं लिखते हैं लिमिट का जब तक वन डिटर्मिनेट फॉर्म देता हूँ, तो यह एच और यच सेम है इससे डिवाइड होकर के वन आ गया। अब इसमें यह चला नहीं कि हम एच की वैल्यू रखें तो हमारा ये राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यह आ गया। अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी देखें तो एफ डैश जीरो माइनस जीरो जीरो पर ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसका मतलब यह है डिफरेंशिएबिलिटी का डिफिनेशन जो है वो एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच एच टेंस टू जीरो। अब यह एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपान एक्स माइनस जीरो ये आया, अब एक्स की वैल्यू जीरो माइनस एच रखें एक्स की वैल्यू तब आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो और यह एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपान जीरो माइनस एच, अब ये माइनस जीरो करेंगे तो यही आएगा तो ये वैल्यू। अब आप देखेंगे कि यप जीरो से लेस है, तो जब जीरो से लेस रह रहा है तब उसकी वैल्यू देखें जीरो से लेस तो जो रहेगा उसका निगेटिव, तो यहाँ से जो वैल्यू आया वो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच इसकी वैल्यू माइनस एच, ये माइनस माइनस एच ये जीरो से लेस है तो यह माइनस माइनस एच ये वैल्यू है और यह जीरो की वैल्यू जीरो और अपान माइनस एच या जीरो माइनस एच माइनस एच, तो ये हम देख रहे हैं कि माइनस से माइनस समाप्त हो गया एच से एच, अभी हम लिमिट नहीं रख सकते क्योंकि जीरो बाय जीरो गए तो एच से एच कैंसिल होके माइनस वन दे दिया तब ये वैल्यू माइनस वन। तब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी माइनस वन आया और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी प्लस वन है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है तो यह जीरो पर फंक्शन जो हुआ वो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो अब आगे हम लिखेंगे
देयरफॉर एफ डैश जीरो प्लस जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ डैश जीरो माइनस जीरो। जीरो फॉर लेफ्ट हैंड डिफ्रेंसिबिलिटी और राइट हैंड डिफ्रेंसिबिलिटी दोनों इक्वल नहीं है, तो हैंस एफ एक्स इज नॉट डिफ्रेंसिएबल। एट एक्स इज इक्वल टू जी दैट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, दैट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल। जो कंटिन्यूअस हो वो डिफरेंशिएबल हो ये आवश्यक नहीं है, इसलिए इसका जो सफिशियंट पार्ट है वो ऑलवेज ट्रू हो ये आवश्यक नहीं। ये हम लोगों ने दिखा दिया कि एक एग्जांपल ऐसा हम लोगों ने किया जो कंटिन्यूअस तो था उस पॉइंट पर लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल। तो इस तरह से हमारा एक कंप्लीट थ्योरम। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स, यह एफ एक्स की वैल्यू दी गई है कि एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वन बाई एक्स माइनस वन अपान ई टू द पावर वन बाई एक्स प्लस वन। ये वैल्यू एफ एक्स का तब है जब एक्स की वैल्यू जीरो ना हो, उस स्थिति में एफ एक्स की वैल्यू ये है, और जब एक्स की वैल्यू जीरो हो तब इस फंक्शन की वैल्यू यह नहीं है, तब हमारा जीरो दिया गया। तब ये कहा जा रहा है कि यह जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है और जीरो पर, वो जीरो पर डिफरेंशिएबल है और जीरो पर कंटिन्यूअस है। तब आपको यदि किसी फंक्शन को ये दिखाना है कि वो डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो अभी हम लोगों ने थ्योरम किया कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी जो डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल हो या आवश्यक नहीं। तो यदि हम इसको ये दिखा दें कि ये डिफरेंशिएबल है तो जब जीरो पर ये डिफरेंशिएबल होगा तो डिफरेंशिएबल रहे तो कंटिन्यूअस होगा ही, तो हमको इसको कंटिन्यूअस है ये दिखाने की जरूरत नहीं है। वो थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं कि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पर है तो उस पर डिफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल है जरूरी नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको दिखाएंगे कि ये फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल है, तो जब जीरो पर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल तो हो ही गया, वो कंटिन्यूअस भी हो गया, क्योंकि जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस है। तो डिफरेंशिएबिलिटी दिखा दिया तब कंटिन्यूटी दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कंटिन्यूअस हो तब डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ डिफरेंशिएबल है जीरो पर ऐसा हम दिखाएंगे। तो सॉल्यूशन में इसका टू सो एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जी, एक्स इक्वल टू जीरो पर यह डेरिवेबल होगा, तो सिर्फ डेरिवेबल दिखा देने से कंटिन्यूअस हो गया, तो डेरिवेबल को भी दिखाना है, और जब डेरिवेबल हो गया तो कंटिन्यूअस के लिए दिखाना नहीं हो तो हो ही गया, तो डेरिवेबल है इसको दिखाने, तो दिखाने के लिए हमको जीरो पर दिखाना है, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो यह एफ डैश जीरो माइनस जीरो, तो इसको लिखेंगे कि लिमिट हमारा डिफरेंशिएबिलिटी दिखाने का जो फार्मूला है वो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपान एक्स माइनस जीरो, और जब लेफ्ट हैंड करना होगा तो यह एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच और एच टेंस टू जीरो, और राइट हैंड करना पड़ेगा तो यही जीरो प्लस एच, और जब जीरो करना है जीरो पर तब जीरो माइनस एच और जीरो प्लस एच, लेकिन जीरो पर ना हमको दूसरे पर निकालना हो, ए पर डिफरेंशिएबिलिटी निकालना हो तब ए माइनस एच करेंगे, यानी जिस पर डिफरेंशिएबिलिटी निकालना है उतना माइनस करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू को देखें, तो यहाँ से यह लिमिट
अब x को जीरो माइनस h कर दें और यह h टेंस टू जीरो, तो यह f जीरो माइनस h और माइनस f जीरो और अपान जीरो माइनस h और माइनस जीरो, ये वैल्यू है। तब हम देख रहे हैं कि यह f माइनस h है, तब ये देखा जाएगा कि यह जीरो से लेस वैल्यू है। तब ये जो फंक्शन है वो जीरो से लेस और ग्रेटर के लिए नहीं है, ये दिया गया है कि यदि ये वैल्यू आपका जीरो नहीं होगा, चाहे वो लेस हो तो और ग्रेटर हो तो सबके लिए ये वैल्यू आएगा, और जब वो हमारा जीरो होगा तब आएगा। तो यह जीरो नहीं है तब हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे यहाँ से, यह लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह माइनस एच लिखें, तब ये वैल्यू यहाँ से माइनस एच का स्क्वायर और ई टू द पावर वन बाई माइनस एच, और यह माइनस वन अपान ई टू द पावर वन बाई माइनस एच और प्लस वन। ये तो सिर्फ हमने एफ माइनस एच की वैल्यू को रखा है, और माइनस एफ जीरो तो जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो है, जीरो और अपान यह माइनस एच ए आ गया, क्योंकि जीरो समाप्त हो जाएगा माइनस एच। अब आप देखें कि लिमिट हमको लेना है, तो लिमिट लेने के लिए निगेटिव में है तो इसको वन बाई में करें, तो अब यहाँ से देखें माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर ऐसा आ गया प्लस में, अब माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो एक हमको माइनस एच मिल गया। तो यह लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच, ये प्लस में आएगा, माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो माइनस एच। अब ये आया हमारा वन बाई ई टू द पावर वन बाई एच, ये निगेटिव है तो वन बाई में करेंगे तो हमको पॉजिटिव पावर आ जाएगा, और माइनस वन अपान ई वन बाई ई टू द पावर वन बाई एच और प्लस वन ऐसा हमको मिलेगा। अब इसकी वैल्यू को तब तक हम लिमिट को नहीं रखते हैं जब वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म दे। तो अब आप देखें ये वन बाई एच की वैल्यू जीरो, तो ये इनफाइनाइट हो गया, और ई टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट है इसलिए वन बाई इनफाइनाइट दैट इज जीरो, तो यह वैल्यू भी जीरो और सेम वही वैल्यू भी है तो जीरो। अब तब यहाँ एच की वैल्यू को जीरो रखेंगे, जब तक एच की वैल्यू तब तक नहीं रखेंगे जब तक वो हमको अनडिटर्मिनेट फॉर्म दे। तो अभी वह अनडिटर्मिनेट नहीं दे रहा है क्योंकि ये वन बाई जीरो है, तो वन बाई जीरो का मतलब ई टू द पावर इनफाइनाइट, और ई टू द पावर इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट है लेकिन वन बाई इनफाइनाइट, तो टोटल वैल्यू जीरो और वही अभी है तो जीरो। तो जीरो माइनस वन और जीरो प्लस वन, यानी ये माइनस वन हुआ ये प्लस वन, तो टोटल माइनस वन हो गया। और यहाँ अब एच की वैल्यू जीरो करेंगे तो हमको ये टोटल वैल्यू जीरो आ गया, तब यह वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू हमको मिल गया जीरो। ये जीरो क्यों आया, तो ये वैल्यू जीरो, यह वैल्यू जीरो और माइनस वन बाई प्लस वन, तो ये माइनस वन, लेकिन यह एच की वैल्यू को जीरो करेंगे तो जीरो से प्रोडक्ट होकर के जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो जीरो आया। अब राइट हैंड लिमिट, तो एफ डैश जीरो प्लस जीरो, तो यह लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच करेंगे राइट हैंड के लिए, और यह एच टेंस टू जीरो आप डिफरेंशिएबिलिटी है तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपान एक्स माइनस जीरो, ये हमारा डिफिनीशन है डिफरेंशिएबिलिटी का। अब यह लिमिट x की जगह यह वैल्यू रख दे तो यह h टेंस टू जीरो और यह f h हो जाएगा, ये जीरो प्लस h का मतलब केवल h, और f जीरो की वैल्यू जीरो दी गई है, और फिर यहाँ से यह जीरो प्लस h ऐसा है। अब इसकी वैल्यू को रखें तो यह लिमिट h टेंस टू जीरो, अब यह f h, तो यह h टेंस टू जीरो है, जीरो नहीं है,
तो इसकी वैल्यू एफ एच का जब जीरो न हो तब यह वैल्यू, तो यहाँ से एच स्क्वायर एच स्क्वायर ई टू द पावर वन बाई एच और माइनस वन अपान ई टू द पावर वन बाई एच और प्लस वन, ये आ गया और माइनस यह जीरो रहा और अपान यह एच केवल ये आ गया। अब देखें इस यच से यच स्क्वायर कैंसिल होकर के केवल यच दे देगा। अब आप यहाँ देखेंगे एच की वैल्यू यदि हम जीरो रखें तो जब जीरो रखेंगे तो ये वन बाई जीरो दैट इज इनफाइनाइट और इन टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इनफाइनाइट आ गया। और फिर उसी पोजिशन में ये भी इन टू द पावर ये हमारा इनफाइनाइट हुआ और इनफाइनाइट में वन को ऐड करेंगे तो भी इनफाइनाइट। तो यहाँ यदि हम लिमिट रखें तो ये हमको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट दे दिया, वन डिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। अब यह एच से ये एच कैंसिल हो गया तो अब लिमिट रखें तो ये चीज को तो यह जीरो इंटू इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जीरो प्रोडक्ट होता है तो जीरो देता है और इनफाइनाइट से प्रोडक्ट कराओ तो इनफाइनाइट देता है, इनफाइनाइट से डिवाइड करे तो जीरो देगा। इसलिए क्या लिखे ये हमारा अनडिसाइडेड है। तब जब तक हमको वैल्यू अनडिटर्मिनेट फॉर्म देगा तब तक हम लिमिट नहीं लिख सकते। तो यह इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट क्यों आया, इसके कारण आए। तो अब इसको यदि ये वन बाई में रहता तब ये वन बाई इनफाइनाइट तो जीरो देता और तब जीरो में वन सब्ट्रैक्ट होता तो माइनस वन आ जाता। इसलिए जब ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म दे तो ई टू द पावर वन बाई एस से न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करें डिनोमिनेटर को भी, ये डिवाइड इसलिए करेंगे तो ये वन आ जाएगा और यह वन बाई में आएगा तो वन बाई में इनफाइनाइट तो जीरो देगा। तो अब हम इससे डिवाइड करें तब ये वैल्यू यह लिमिट एच टेंस टू जीरो एच टेंस टू जीरो। अब एच स्क्वायर से यह एच कैंसिल एक एच आ गया यह एच ई टू द पावर वन बाई एच से डिवाइड करेंगे तो यह वैल्यू वन और माइनस वन बाई ई टू द पावर वन बाई एच इसमें डिवाइड किया और वैल्यू में परिवर्तन हो तो यहाँ भी तो यह वन और प्लस वन बाई ई टू द पावर वन बाई एच और यह एच एच स्क्वायर से एच दे चुका है। अब यह वन बाई में आ गया तो यह एच को जब जीरो करेंगे तो ये वन बाई जीरो दैट इज ई टू द पावर इनफाइनाइट, ई टू द पावर इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट अब वन बाई में आ गया तो ये वैल्यू जीरो और सेम हुआ भी जीरो तब यह वन बाई वन दैट इज वन आए और तब एच को जीरो लिखेंगे तो वन इंटू जीरो अब ये वैल्यू हमको जीरो दे दे तब यह वैल्यू जीरो आ गया। तब हमने देखा कि इसका लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएबिलिटी भी जीरो और राइट हैंड डिफ्रेंशिएबिलिटी भी जीरो, इसलिए ये जीरो पर डिफ्रेंशिएबल हो गया। तो देयरफॉर एफ डैश जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ डैश जीरो प्लस जीरो दैट इज एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा डिफरेंशिएबल हो गया। अब ये कहा जा रहा कि ये जीरो पर डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा, तो कंटिन्यूअस आपको दिखाना नहीं है। हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डेरिवेबल हो तो उस पर कंटिन्यूअस होगा। तो हम यहीं से लिख सकते हैं ये वैल्यू दिस इंप्लाई एफ इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये दिखाना नहीं है, रीजन क्या है इसका कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो जब ये डिफरेंशिएबल हो गया जीरो पर तो ये जीरो पर कंटिन्यूअस भी होगा। इस तरह से हमारा एक कंप्लीट वर्क हो गया। तब हमने इसका जो अभी इसके पहले जो डिफिनिशन एक थ्योरम किया था उस थ्योरम का यहाँ यूज, यदि उस थ्योरम को अप्रूव नहीं किए होते तो अभी एक डिफरेंशिएबल होने के बाद कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस हमको दिखाना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस लिमिट राइट हैंड लिमिट और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू ये तीनों इक्वल हो तब हम कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस। तो इतना वर्क करना होता है, लेकिन इसके पहले जो थ्योरम किए
उसमें डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस रहे तब डिफरेंशिएबल हो ये आवश्यक नहीं, तो उसको दिखाना पड़ता है। इस तरह से हमारा ये वर्क कंप्लीट हो गया।